बच्चों के अच्छे और बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनके रुझानात को जानना ना सिर्फ वालिदैन बल्कि असातिज़ा के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। अब ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगा। कैसे होगा, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं समझती हूँ कि बच्चा आजकल का ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, अपने बारे में ज़्यादा बेहतर समझता है, लेकिन उसके वालदैन को कन्विंस करना, उसके टीचर्स को कन्विंस करना, वो एक जो है बड़ा मुश्किल काम है। तो वो एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि हम फेस कर रहे हैं। मेरा फ्यूचर वेब पोर्टल के जरिए मैट्रिक से इंटरमीडिएट के तलबा के मुस्तकबिल के रुझानात का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिनसे तालीमी इदारे भी मुस्तफीद हो सकेंगे और ये काम मुकम्मल खुदकार निजाम के तहत सरंजाम पा जाता है। उर्दू और इंग्लिश दोनों में हमारी वेबसाइट है, तो बच्चा जब एक वेबसाइट पे आता है, सीली टेस्ट देता है 30 से 35 मिनट का, उसके बाद हम उसे बताते हैं उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम उसे बताते हैं कि सूटेबल डिग्रीज और फील्ड्स पाकिस्तान में उसके लिए कौन सी हैं, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो भी और उसके पेरेंट्स दोनों मिलकर ले सके। डॉक्टर जुनेरा साकिब ने जनवरी 2020 में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में इस वेबसाइट का आगाज किया था, जिसने कोरोना वबा के लॉकडाउन के दिनों में भी सारफीन को सहूलत दी। AI मॉडल को बनाने में, डाटा कलेक्ट करने में, पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में जाने में और बच्चों से बात करने में, उसमें हमारा काफ़ी वक्त सर्फ हुआ। लेकिन जब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया तो हमारा जो AI मॉडल है वो एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन देता है, अप टू 90% तक। डॉक्टर जुनेरा साकिब मुस्तकबिल में इस वेबसाइट को मोबाइल एप्लीकेशन में मुंतकिल करने की प्लानिंग भी कर रही हैं, जिससे तलबा को अपना एप्टीट्यूड जानने में मजीद आसानी होगी। कैमरामैन इश्ताक हुसैन भट्टी के साथ जावेद हुसैन, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।